पावर हत्या केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पेरोल पर जेल से बाहर आ गए। हरियाणा के चुनाव में क्या राम रहीम फैक्टर का असर होगा, ये सवाल चुनाव के बीच चर्चा में है। सिरसा जहां राम रहीम का ठिकाना हुआ करता था, वहां राम रहीम फैक्टर को लेकर क्या चर्चा है, आपको दिखाते हैं सिरसा से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो हम हरियाणा के सबसे आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं, जो पंजाब की सीमा से भी लगता है, राजस्थान की सीमा से भी लगता है। तीन राज्यों का कल्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक चाय वाले के पास मैं आपको लेके आई हूँ। सुबह सवेरे देखिए कितनी अच्छी भीड़ लगी है, सभी वर्ग के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 5 तारीख को वोट करने जा रहे हैं आप, सिरसा की जनता किधर जा रही है? क्योंकि बड़ा दिल्ली NCR सब जगह तक है कि भाई यहाँ पर डेरा का प्रभाव रहता है, यहाँ पर तीन तीन राज्यों का कल्चर है, क्या देखकर यहाँ की जनता वोट करती है? कि मेनली तो जनता जो सिरसा की है बड़ी जागरूक जनता है और कार्यों को देख के ही वोट देती है। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आके मांग ले और दे दे। निर्दलीय बहुत कम जीतते हैं, है ना, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन गोपाल कांडा यहाँ जीत दर्ज कर लेते हैं। बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ है नहीं, गोपाल कांडा निर्दलीय और एक कांग्रेस के बीच फाइट, ऐसा क्यों? गोपाल कांडा ही क्यों जनता को बार बार यहाँ पसंद आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस बार जनता ने अपना निर्णय कर लिया है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। तो मैदान में तो 13 उम्मीदवार यूं तो हैं, लेकिन मेन फाइट गोपाल कांडा और कांग्रेस के बीच में है। तो किधर कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? क्योंकि मैडम 10 साल से है ना सिरसा में कोई विकास नहीं हुआ, रोजगार भी नहीं है। आप ये देखो फैमिली आईडी से बहुत परेशान है लोग, इस चक्कर में लोग इस बार कांग्रेस के साथ चलेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट। गोपाल कांडा पर भरोसा नहीं है? नहीं मैडम, 10 साल 2 बार टाइम दे दिया, कुछ भी नहीं अब किया। नहीं, जेजेपी ना, जेजेपी तो बिल्कुल नहीं, कुछ ही नहीं है जी। जेजेपी के जारी वोट, कांग्रेस का टाइम है मैडम, कांग्रेस का टाइम है। आप बताइए, सब कहते हैं कि सिरसा में डेरा का बड़ा प्रभाव होता है, राम रहीम पेरोल पे बाहर आ गया फिर से और अब नाम चर्चा करने जा रहा है, तो आपको लगता है डेरा का प्रभाव रहता है सिरसा में? तो उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, लाख लाख लोग उनकी बातों को मानते हैं, उनकी स्टेटमेंट नहीं आई तो हम उसके बारे में। किसकी स्टेटमेंट? राम रहीम की। आप लोग मानते हैं अभी भी राम रहीम को? ऐसे है, इस बार जो है ना कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। किसका प्रभाव है फिर यहाँ पर जो है? गोकू सेतिया जी ने प्रभाव जो है, बीजेपी सरकार ने किसी वर्ग को खुश नहीं किया। ऐसा कोई दिन नहीं है जो लघु सचिवालय में धरना, चाहे कर्मचारी हो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो। आपके तो विधायक ही निर्दलीय है। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसमें हर वर्ग दुखी था, जैसे शिक्षक वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, किसान हो गया, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो लघु सचिवालय में धरना लगा हो। डेरा का प्रभाव है? डेरा का राम रहीम का प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है जी, सब कांग्रेस को वोट डाल लेंगे। राम रहीम ने अगर मान लीजिए बोल दिया कांग्रेस को कर दीजिए तो प्रभाव है? नहीं, कुछ नहीं है, सारे पहले जुड़े हुए कांग्रेस के साथ। हाँ, जो भी जुड़ा हुआ तो मैडम कोई प्रभाव नहीं। अगर प्रभाव होता तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को नहीं आती MP के इलेक्शन के अंदर। हाँ, बोले न दीजिए इनको भी, बोले जल्दी से। 15 साल से सिरसा जिला विपक्ष में बैठा है। हाँ। अब की बार हम किसी की नहीं मानते, हम सरकार के साथ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही है सरकार, बिल्कुल तय। हाँ, तय। चलिए थोड़ा सिरसा में और मैं आगे आपको घुमाती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ तीन राज्यों मिश्रण आपको दिखाई देगा और हरियाणा से एकदम अलग कल्चर यहाँ दिखाई देता है।